उत्कृष्टता की मांग करना, डिमांडिंग एक्सीलेंस। अरे यार तुम कर दो, और थोड़ा और सुधरो, थोड़ा कमीशन बढ़ा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ठीक रहेगा। भाई बहुत मिल गया रे, अरे बहुत रे, महीने के 50,000 आ रहे। क्या खुद से डिमांड करते हो और एक्सीलेंस की डिमांड करते हो? लीडर बनोगे? डिमांडिंग एक्सीलेंस, खुद से उत्कृष्टता की मांग करना। मुझसे बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। जो इंसान अपने आप से डिमांड करे, मुझे और उत्कृष्टता निखारनी होगी, मेरी और प्रोडक्टिविटी निखारनी होगी, मुझे और एक्सीलेंस करना होगा, मैं और उत्कृष्टता की ओर बढ़ना चाहता हूं। हर इम्परफेक्टली परफेक्ट आदमी एक दिन उत्कृष्ट हो जाता है, एक दिन उत्तम हो जाता है, और उत्तम होने की तैयारी में लगा रहता है। कब? जब वो डिमांड करे अपने आप से, डिमांडिंग एक्सीलेंस। डिमांडिंग एक्सीलेंस, मुंह से बोलिए। आप जब डिमांड ही नहीं करो अपने आप से तो कहां कोई सीखेगा। मेरे पिताजी को मोबाइल में नंबर सेव करने में तकलीफ हुई। आज से 5 साल पहले जब उनको एंड्रॉयड फोन मिला तो हमने कहा नंबर ऐसे सेव होता है। अरे यार तुम कर दो। 5 साल बाद भी हम ही करते हैं। वेटरनरी डॉक्टर, 3 लाख पशुओं को ठीक करने का अनुभव, जिंदगी का अनुभव, 18 घंटे मेहनत करने का अनुभव, न्याय नीति से काम करने का अनुभव, सेवा भावी, सारे गुण। लेकिन नंबर सेव करने के लिए दूसरा आदमी चाहिए। क्या सीखे? खुद में ये भावना नहीं है कि मैं एक्सीलेंस की डिमांड कर सकूं अपने आप से। एक्सीलेंस की डिमांड कर सकूं। एक्सीलेंस की डिमांड वो करता है जो सबसे पहले तो अपने आप को अपूर्ण समझता है, जो अपने आप को पहले से बापू मन के घूम रहा है मार्केट में, वो कहां से करेगा डिमांड। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने आप से एक्सीलेंस की डिमांड करोगे? अच्छा, पूरी दुनिया में शाणे लोग कंपनियों से एक्सीलेंस की डिमांड करते हैं, और थोड़ा और सुधरो, थोड़ा कमीशन बढ़ा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ठीक रहेगा, ऐसा करके बत्ती लगा के निकल लेते हैं। अब तुम संभालते रहो। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने जीवन में अपने आप से एक्सीलेंस की डिमांड की, लोगों से नहीं। लोगों से नहीं भाई। जब आपकी अंगुली दूसरों की एक्सीलेंस की डिमांड की तरफ बढ़ती है, आपकी घटती चली जाती है। खुद से एक्सीलेंस की डिमांड करना, और कितना एक्सीलेंस की ध्यान रखना, पग पग पे, क्षण क्षण पे सीखने को मिल रहा है, और निखारा जा सकता है अपने आप को, और निखारा जा सकता है। स्टीव जॉब्स ने अपने पूरे कर्मचारियों को बोला, मुझे दुनिया का सबसे स्लिम आईफोन बना के दो। 1 बना दिया, 2 बना दिया, 10 बना दिया, अब 1 फोन ऐसा बनाया, उसको जितना पतला कर सकते थे पतला कर दिया, और लास्ट में स्टीव जॉब्स के हाथ में लाके दिया, ले बापू, इससे पतला नहीं कर सकते, हम पतले हो गए, अब ये नहीं हो सकता। उसने हाथ में लिया और पानी में डाला, बुलबुले निकल रहे थे। उसने कहा, अरे सुनो, और गुंजाइश है, अभी तो हवा निकल रही है, और गुंजाइश है, और पतला करो। डिमांडिंग एक्सीलेंस, उसमें भी तसल्ली नहीं, डिमांडिंग एक्सीलेंस। परफेक्शन नहीं, एक्सीलेंस, और एक्सीलेंस। हम भारत के लोगों के डीएनए में एक चीज बहुत है, कुछ भी थोड़ा बड़ा मिल गया तो अब जिंदगी संतुष्ट हो जाती है। अरे भाई बहुत मिल गया रे, अरे बहुत रे, महीने के 50,000 आ रहे, अब सीखना बंद, अब नया करना बंद, अब बहुत जिंदगी मस्त चल रही है। जो रुक गया वो मर गया। जो ग्रोथ की तरफ है वही जीवन जी पाएगा, स्थिरता का कोई उपाय नहीं है। पूरी दुनिया में जब यह समझा गया कि मनुष्य की सूंघने की पराकाष्ठा है, वो ड्रग को सूंघ सकता है, बॉम्ब को सूंघ सकता है, लेकिन फिर आतंकवादियों ने नेक्स्ट लेवल बना लिया अपना, वो छुपा के लाने लगे, तो फिर मनुष्य की क्षमता खत्म हुई, तो फिर मनुष्य ने डिमांडिंग की, एक्सीलेंस की। और ये काम किनसे करवाया? कुत्तों से करवाया। और कुत्ते निपुणता से करते हैं कि नहीं करते हैं? अब विश्व के सारे देश, कुत्ता लास्ट प्रोडक्ट है उनके पास पता करने का। हेलो, कुत्ता लास्ट है, पहले तो खुद लास्ट थे, अब कुत्ता लास्ट था तो अब बैठ गए, अरे भाई बहुत अच्छा, अरे भाई बहुत हो गो बैठो आराम करो, बहुत हो गया बहुत। नाइट डिमांडिंग एक्सीलेंस, साला इजराइल ने वो कर दिखाया जो कुत्तों से भी ऊपर है। नेक्स्ट लेवल डिमांडिंग एक्सीलेंस। पता है कुत्तों में प्रॉब्लम क्या होती है? कुत्ते का आकार इतना बड़ा, तो जिस जगह सुंगाना होगा कम से कम इतनी चौड़ी जगह होगी। फिर कुत्ते का वजन खुद का 10, 20, 30 किलो, अगर लैंड माइन पे पांव रख दिया तो कुत्ता उठ जाएगा। इजराइल की भूख, इजराइल की तड़प इतनी खतरनाक कि जो काम साला कुत्ता करता था मधुमक्खियों से करवा लिया। डिमांडिंग एक्सीलेंस, डिमांडिंग एक्सीलेंस। भाई ये जीवन को उठाने के लिए कहीं से कोई उठावा दिख गया तो ही उठेगा, नहीं तो जिंदगी बहुत पीछे रह जाएगी। डिमांडिंग एक्स, हाथ को यूं करो, डिमांडिंग एक्सीलेंस। क्या खुद से डिमांड करते हो और एक्सीलेंस की डिमांड करते हो? लीडर बनोगे तो देखो इजराइल ने जो काम, अच्छा कुत्तों को महीनों लगते थे, मधुमक्खी को 6 घंटे में ट्रेंड किया जाता है। मेरा एक सवाल आपसे, अगर मधुमक्खियां कर सकती है तो आप कर सकते हो कि नहीं? अगर ट्रेनिंग से और ब्रेन पे अगर ताकत लगाई जाए तो इंसान में लीडरशिप भी डेवलप की जा सकती है कि नहीं? आपको अपने जीवन में डिमांड करनी होगी अपने आप से एक्सीलेंस की। मैंने डिमांड की भाई, डिमांड की। बताओ मैंने अपने आप से एक्सीलेंस की डिमांड की कि नहीं? आप अपने आप से एक्सीलेंस की डिमांड करो। जितना डिमांड करते जाओगे उतना खोदते जाओगे, उतना और माल निकलता जाएगा। जिस दिन डिमांड बंद उस दिन से मृत्यु शुरू, क्योंकि फिर अहंकार आता है। अरे हम सब जानते हैं, हमने हजारों गज बेची है। पुष्पा अतीत बन जाता है, बड़ा बड़ा इतिहास अतीत बन जाते हैं, बड़े बड़े योद्धा। भाई अपने भीतर डिमांड एक्सीलेंस की हमेशा करते रहना, प्रकृति आपको हमेशा आगे लेके जाएगी।